हेलो फ्रेंड्स, आप सबका परी चौधरी ब्लॉग में स्वागत है। आज हम बना रहे हैं ब्रेड से नाश्ता, जिसके लिए हमने 6-7 ब्रेड लिए हैं। ब्रेडों को तोड़कर हम मिक्सर जार में डालेंगे। हाफ कटोरी हमने सूजी ली है, इसमें डालेंगे इसे भी। हाफ कटोरी मैंने दही लिया है, इसे भी इसमें डालेंगे। और अब हम इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह का बैटर हमारा तैयार हुआ है। आप इसमें पानी भी डाल सकती हो थोड़ा बहुत। अब हम इसमें, हमने एक आलू कद्दूकस कर लिया था, एक आलू डालेंगे, एक हरी मिर्च चॉप कर ली थी, एक टमाटर चॉप कर लिया था, एक प्याज चॉप कर ली थी बारीक बारीक, मिर्ची डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, चौथाई टीस्पून हम गरम मसाला डालेंगे, अब हम इसे सारे को मिक्स करेंगे। एक घोल तैयार हो गया है हमारा। अगर हमारा घोल गाढ़ा लगे तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं। इस तरह का घोल हमें चाहिए। कितना अच्छा घोल बनकर तैयार हुआ है। जिस तरह के घोल से हम डोसे बनाते हैं, वैसा ही घोल हमें तैयार करना है। पैन हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम चारों तरफ फैलाएंगे। हमने जो बैटर तैयार किया था, अब हम उसे डालकर इस तवे पर फैलाएंगे। एक मिनट के लिए हम इसे ढककर पकाएंगे। अब देखेंगे हम, देखो कितना अच्छा ऊपर से लगने लगा है। अब इसे हम पलट देते हैं। कितना अच्छा सिक्का तैयार हुआ है। दूसरी तरफ से भी हम एक मिनट के लिए सेकेंगे, ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। बनकर तैयार हो गया है, दूसरी तरफ से भी सिक गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम दूसरा बनाते हैं, इसे भी धीरे धीरे फैलाएंगे। एक मिनट के लिए ढक देते हैं इसे भी। इसे भी हम पलट देते हैं। देखिए कितना अच्छा सिक्का तैयार हुआ है ये भी। दूसरी साइड से भी कितना अच्छा सिक्का तैयार हुआ है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। सारे हमें इसी तरह से बनाकर तैयार कर दिए हैं। देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। इसे हम दही के साथ या लाल चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ कैसे भी खा सकते हैं। और बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं, बच्चे बहुत मन से खाते हैं।
एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करना। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बाय।